हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 6.2। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसकी स्टेटमेंट है, इन प्रॉब्लम्स 13 एंड 14, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहां बता दिया गया है कि जो एक्स जीरो है वो उसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यूज द जनरल फॉर्म ऑफ द इनिशियल इक्वेशन इन 14। आगे हम सॉल्व करेंगे फ्रोबेनियस मेथड, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन इन्वॉल्व होती है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। उस इक्वेशन को हम कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म दी हुई है 14, उसको यूज करना है टू फाइंड द इंडिशियल रूट ऑफ द सिंगुलैरिटी विदाउट सॉल्विंग डिस्कस द नंबर ऑफ सीरीज सॉल्यूशन यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस। ठीक है, फ्रोबेनियस मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास समटाइम्स एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, समटाइम्स दो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। इसको इंडिविजुअल इक्वेशन कहते हैं, और उसको जो सॉल्व करते हैं तो वो इंडिविजुअल रूट्स निकलते हैं। उन रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। उसको हम अब इस 13 और 14 में सिर्फ वो इंडिविजुअल इक्वेशन निकालेंगे, हम इसको कुछ सॉल्व नहीं करेंगे इक्वेशन। अगर 15 से ऑनवर्ड हम इसको बकायदा सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें वो इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए और उसके रूट चाहिए, और उसके रूट पर हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमारे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो 13 देखिए, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस 5/3 एक्स माइन प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई प्राइम माइनस 1/3 वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उसकी जो जनरल फॉर्म 14 में दी हुई है वो दरअसल ये वाली फॉर्म दी हुई है, आर टाइम्स आर माइनस 1 प्लस ए नॉट टाइम्स आर प्लस बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसमें ए नॉट और बी नॉट क्या है, याद रखिए जब हम चेक करते थे कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है, तो वहां पे हम एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करते थे जो कि स्मॉल पी एक्स और स्मॉल क्यू एक्स से। तो जो स्मॉल पी एक्स था उसको हम एक्स टाइम्स कैपिटल पी एक्स से नोट करते हैं के बराबर लेते हैं, और जो स्मॉल क्यू एक्स होता है उसको हम एक्स स्क्वायर कैपिटल क्यू एक्स के बराबर लेते हैं। इन स्मॉल पी ऑफ एक्स और स्मॉल क्यू ऑफ एक्स को अगर हम सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है, सीरीज की फॉर्म में, तो जो इनकी कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, ठीक है, उसको अगर हम ए नॉट कहते हैं जो पी एक्स की है, और बी नॉट कहते हैं जो क्यू एक्स की है, ये जो ए नॉट और बी नॉट है ये यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट इस्तेमाल किए गए। आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल आर, तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यूज फाइंड करनी है, इसे कहते हैं इनिशियल इक्वेशन, और इसके जो सोल्यूशन निकलेंगे उसको इनिशियल रूट कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 13 जो दिया गया वो एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस 5/3 टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई प्राइम और माइनस 1/3 वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो पहला काम है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, वाई डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्राइम और क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। आप देखते हैं यहाँ पे जो वाई डबल प्राइम है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे ये वाई डबल प्राइम आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, ये 5 ओवर में 3 टाइम्स एक्स आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे देखिए ये 1 आ जाएगा टाइम्स वाई प्राइम, और माइनस इसको डिवाइड जब करेंगे एक्स स्क्वायर से ये 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर है 0, ये इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास जब कंपेयर करेंगे तो जो कैपिटल पी ऑफ एक्स है वो क्या बनता है, वाई प्राइम कोफिशिएंट जो कि 5/3x+1 है, और जो कैपिटल क्यू ऑफ एक्स बनता है वो वाई प्राइम होता है, उसका कोफिशिएंट होता है -1/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये कैपिटल पी ऑफ एक्स और कैपिटल क्यू ऑफ एक्स है, लेकिन हम अब क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल पी ऑफ एक्स। जो स्मॉल पी एक्स होता है ये एक्स टाइम कैपिटल पी ऑफ एक्स, तो आप एक्स टाइम कैपिटल पी जो कि 5/3x+1 के बराबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 5/3x कैंसिल हो जाएगा और प्लस यहाँ पे एक्स आएगा, ये स्मॉल पी ऑफ एक्स है। इसी तरह स्मॉल क्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लीजिए जो क्या होता है एक्स स्क्वेयर टाइम्स कैपिटल क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर टाइम कैपिटल क्यू ऑफ एक्स क्या बनेगा, -1/3x स्क्वेयर है, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो स्मॉल क्यू ऑफ एक्स आएगा वो देखिए -1/3 आएगा, तो ये स्मॉल क्यू ऑफ एक्स आ गया है और ये स्मॉल पी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये मैंने ऊपर ये इस इक्वेशन में लिखा हुआ था।
अब मैंने क्या करना है कि इनको ये जो स्मॉल पी ऑफ एक्स और स्मॉल पी ऑफ एक्स आए हैं इनको मैंने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, और आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सीरीज के फॉर्म में लिखे हुए हैं। और जब सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा मुझे सिर्फ उनकी कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स देखिए ऑलरेडी ये सीरीज की फॉर्म में है और इसमें सिर्फ एक ही टर्म है और वो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जो पी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट में देखिए वो बी नॉट कहा गया, तो ये मेरे पास बी नॉट की वैल्यू आ गई। इसी तरह जो स्मॉल पी एक्स की जब आप सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है और यहाँ पे देखिए इसकी दो टर्म्स हैं, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी मेरे पास वो उसको हम ए नॉट कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ए नॉट बन जाएगा मेरे पास वो 5/3 हो जाएगा। ये जो ए नॉट और बी नॉट की वैल्यू है आप प्लग करेंगे इस इक्वेशन में आर इंटू आर माइनस वन प्लस ए नॉट टाइम्स आर प्लस बी नॉट, तो क्या बनेगा मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी आर इंटू आर माइनस वन, ठीक है, प्लस ए नॉट और ए नॉट मेरे पास क्या है 5/3 टाइम्स आर और प्लस बी नॉट जो कि माइनस 1/3 इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये बनेगा 3r इनटू r माइनस 1 प्लस 5r माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। सिंपलीफाई कर दीजिए ये 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 5r माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो है, और ये बनेगा मेरे पास 3r स्क्वायर माइनस प्लस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप फैक्टर कर लीजिए, ये क्या बनेगा मेरे पास 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से 3r कॉमन आएगा तो r प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा r प्लस 1 जीरो, तो यहाँ पे r प्लस 1 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो आ गया। और यहाँ पे मेरे पास जो r की दो वैल्यू आ गई हैं, एक r की वैल्यू आएगी नेगेटिव 1 और एक r की वैल्यू आएगी 1/3, ये r की दो वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास इंडिशियल इक्वेशन थी और ये उसके रूट हैं, इसको इंडिशियल रूट कहते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इंडिशियल रूट। अच्छा याद रखिए जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फ्रोबेनियस मेथड से तो हमें ये वाला मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वहां पे देखेंगे हम उसके अंदर डायरेक्टली इसी को इन तक पहुंच जाएंगे। ये है कि अगर आप सॉल्व नहीं करें फ्रोबेनियस मेथड इस्तेमाल नहीं करें, अगर आप डायरेक्ट उसकी इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं फिर हमें ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो आर की दो वैल्यूज आई हैं, एक नेगेटिव वन आई है, एक 1/3 आई है। अब उसके बाद सेकंड उसने ये पूछा हुआ था कि ये भी डिसाइड कीजिए कि फ्रोबेनियस मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो एक होगा या फिर वो दो होगा। अब ये कैसे चेक करना है इसका देखिए, इसका पीछे पूरी थ्योरी दी हुई है, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं एक्सरसाइज से पहले। इसके पॉसिबल 3 केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने 3 केसेस को 1/1 डिस्कस किया हुआ। केस 1, केस 1 में कहता है अब जो उसके दो रूट हैं एक का नाम आर वन रख दिया, एक का नाम आर टू रख दिया, उसने अज्यूम किया है कि जो आर वन है वो आर टू से कैपिटल से बड़ा है, ठीक है। तो मेरा जो आपका देखिए जो मेरे पास जो आंसर आए हैं आर वन और जो आर टू है हमारे पास जो उसके आंसर आए हैं, एक आया है नेगेटिव 1, एक आया 1/3। तो आर वन वो लें जो 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 बिगर है तो ये 1/3 आएगा और जो आर टू है ये नेगेटिव 1 आएगा। तो मेरे पास आर वन आर टू की ये वैल्यू, तो केस वन में कहता है कि व्हेन इफ आर वन एंड आर टू आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट एंड द डिफरेंस आर वन माइनस आर टू इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये इसमें देखने वाली बात है कि उनको वो डिफरेंस जो लें वो पॉजिटिव इंटीजर ना आए तो फिर क्या होता है, फिर उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, उनका डिफरेंस लीजिए। तो आर वन माइनस आर टू लीजिए, ये बनेगा मेरे पास 1/3 माइनस और माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। आप देखें ये 4/3 है, इनका डिफरेंस नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया है, ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर इन दो रूट्स का डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर ना आए, नेगेटिव इंटीजर आ जाए या फ्रैक्शन इस तरह आ जाए तो फिर उसके दो रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन 13 है इन इस थ्योरी के मुताबिक उसके टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तुम्हारा तो कौन सा आंसर सॉल्व होगा, इसमें बाकी दो केस देख लीजिए क्या है। नंबर जो केस नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ कि अगर उसका डिफरेंस एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो फिर उसके जो दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, वाई वन ये आएगा और वाई टू ये बनेगा। वाई वन तो बिल्कुल सिंपल है, हमने याद करें जो वाई अज्यूम किया होता है ना यहाँ पे, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने लिया होता है
सी एन एक्स की पावर एन प्लस आर लिया होता है। तो आर की वैल्यू जो है ना यहाँ पे दो हो सकती है, आर वन और आर टू। तो देखो उसने आर वन एक जस्ट आर वन यहाँ ली हुई है और दूसरे में उसने जो आर टू ली हुई है वहां पर उसने बी एन भी लिया हुआ है। यहाँ पे सी एन है और यहाँ पे बी एन कोई और जिस तरह ये बी एन पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ लॉग लगाएगा। तो इसके लिखे दो है लेकिन असल में जो सेकंड जो है ना हमारे पास सेकंड वाला है ये हमें फिर अलग किसी मेथड से फाइंड करना पड़ता है। फ्रोबीनियस से ये एक ही आता है सोल्यूशन। तीसरा केस क्या है, जब आर वन और आर टू सेम आ जाए, उनका डिफरेंस जीरो आ जाए, ठीक है, तो फिर भी देखिए हमारे पास सोल्यूशन एक ही एग्जिस्ट करेगा फ्रोबीनियस से, दूसरा फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे, जो तीन केसेस हैं आर वन और आर टू का डिफरेंस अगर एक पॉजिटिव इंटीजर ना आए तो दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ये केस नंबर वन हो गया। केस नंबर टू में अगर आर वन आर टू का डिफरेंस एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और तीसरे केस में अगर दोनों बराबर आ जाएंगे उनका डिफरेंस जीरो आ जाएगा तो फिर भी वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय फ्रोबीनियस मेथड। हाँ, ये नियम कह सकते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक एग्जिस्ट करेगा, उसका दूसरा भी निकाल सकते हैं, हमारे पास मेथड पीछे बन पड़े हुए हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सेकंड सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फ्रोबीनियस मेथड से नहीं कर सकते। फ्रोबीनियस मेथड जो होगा वो हमें एक सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो फ्रोबीनियस मेथड कभी भी आपको दो सोल्यूशन की गारंटी नहीं देता। हाँ, पहला केस अगर बन जाए तो फिर वो दो देगा, अदरवाइज वो एक सोल्यूशन करेगा। तो हमारा जो 30 वाला क्वेश्चन है उसके हमने इनिशियल इक्वेशन भी फाइंड कर ली है और हमने ये भी बता दिया है कि उसका फ्रोबीनियस मेथड से, क्योंकि वहां लिखा हुआ मेथड ऑफ फ्रोबीनियस, मेथड ऑफ फ्रोबीनियस की मदद से 13 वाले क्वेश्चन के दो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर। इससे पहले जो 6.1 की है वहां पे हमने अप्लाई किया था पावर सीरीज मेथड, जो आप जाते हैं वहां पे ऑर्डरी पॉइंट के बोर्ड फाइंड कर। तो ऑर्डरी पॉइंट के बोर्ड जब आप सॉल्व करते हैं सीरीज फॉर्म में, उसको कहते हैं पावर सीरीज मेथड। और पावर सीरीज मेथड गारंटी देता है कि हर दफा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल के दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर जो पॉइंट जिसके बोर्ड आप फाइंड कर रहे हैं वो उसका सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, फिर आपको लगाना पड़ेगा फ्रोबीनियस मेथड। और फ्रोबीनियस मेथड आपको कम से कम एक सोल्यूशन की गारंटी देता है, दो आ भी सकते हैं इस केस में कि उसका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ना आए, लेकिन वो आपको बाकी तमाम केसेस के अंदर एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट 15 से ऑनवर्ड जो करेंगे वो हम बकायदा अपना फ्रोबीनियस मेथड अप्लाई करेंगे। इस वाले में सिर्फ ये एक शॉर्टकट मेथड।